इसलिए भी ज़रूरी है कि ये खुद मेरे साथ भी मेरे घर पे भी हो चुका, सर्विस में डाला। तो आपकी गाड़ी में अगर इंजन नेबुलाइजर काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग वेलकम टू माय चैनल एंड आज कार ज्ञान में हम बात करेंगे अबाउट द इंजन इमोबिलाइजर। बस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये खुद मेरे साथ भी मेरे घर पे भी हो चुका था कि मेरे फादर ने मुझसे एक दिन पूछा था कि भाई ये गाड़ी मैंने बंद कर दी है बट उसमें एक लाइट जल रही है, रेड लाइट ब्लिंक कर रही है लगातार। सो इट वॉज नथिंग बट द इंजन इमोबिलाइजर की लाइट थी वो। तो इसके बारे में बात करते हैं, इंजन इमोबिलाइजर होता क्या है और कैसे काम करता है। तो अगर आपकी कार में भी ये जो लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे विद अ हाफ कार एंड अ लॉक साइन, अगर ये आपकी कार में भी जलती है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कार बंद करके अगर ये लाइट जल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी में जो इमोबिलाइजर है वो बराबर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। तो बेसिकली बात करते हैं कि इंजन इमोबिलाइजर होता क्या है। तो आपकी गाड़ी में अगर इंजन इमोबिलाइजर काम कर रहा है, अगर इसी शेप की कोई डुप्लीकेट चाबी भी बना देता है, डालेगा और चलाने की कोशिश करेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, इसका इग्निशन सिस्टम प्लस फ्यूल सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो ये जो आप कार की फॉब देख रहे हैं इसमें बेसिकली जो प्लास्टिक पार्ट है इस पे आपका जो है ट्रांसपोंडर की जो चिप है वो लगी रहती है जो कि इंजन के ECU एंड इमोबिलाइजर के साथ कम्युनिकेट करती है। तो जैसे ही हम लोग इसको यहाँ अंदर स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से जो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है टुवर्ड्स द ECU और वो देखता है कि भैया जो इसमें इलेक्ट्रॉनिकली जो कोडेड जो की है उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। एक बार ये कंफर्म हो जाता है कि इमोबिलाइजर से वो मैच कर रही है, ECU सिग्नल देता है कि आपका ये फ्यूल और फ्यूल सिस्टम को और इग्निशन को कि सब कुछ बराबर है, कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं लगाई है, ओरिजिनल की ही लगाई है, उसको आप ऑन कर लीजिए। बेसिकली देखा जाए तो सिस्टम आपका जैसे आप मोबाइल पर पासवर्ड डालते हैं या कोई पासवर्ड डालते हैं वही सिस्टम इसमें है, बस इलेक्ट्रॉनिकली वो कंट्रोल हो रहा है। सिग्नल्स कोडेड हैं वो जैसे ही मैच कर जाते हैं इमोबिलाइजर से ये गाड़ी को स्टार्ट होने का सिग्नल दे देता है। ये आप देखेंगे गाड़ी अभी बंद है तो इमोबिलाइजर जो है ब्लिंक कर रहा है। ये मैंने गाड़ी को ऑन किया और ये मैंने अब एक्सेसरीज़ में डाला। जैसे ही मैंने एक्सेसरीज़ में डालता हूँ सारी जो लाइट्स हैं वो जलती हैं। अब जो है आप देखेंगे वो इमोबिलाइजर की लाइट जो है गायब हो गई है। बेसिकली हुआ क्या है, क्या है कि ये जो की है ये आपके इमोबिलाइजर के साथ मैच कर गया है, इसका जो पासवर्ड है, और इसने इमोबिलाइजर की लाइट हटा दी है, यानी आपने करेक्ट की डाली है तो ये लाइट हट गई है। आप देखेंगे आपको जो ये स्पेयर की दी जाती है इस पे भी ये सेम चीज़ ये ट्रांसपोंडर चिप यहाँ पे लगी रहती है और जैसे ही हम इसको डालते हैं अंदर और ऑन करते हैं एक्सेसरीज़ में डालते हैं तो ये जो इमोबिलाइजर की लाइट जल रही थी वो गायब हो जाएगी। ये देखिए एक्सेसरीज़ में डाला और इमोबिलाइजर की लाइट गायब हो गई। एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो इस बारे में है कि कई चैनल्स में मैंने एक दो इमोबिलाइजर के जो वीडियो देखे उसमें काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों ने दी हुई है कि अगर आप डुप्लीकेट चाबी लगाने की कोशिश करें तो फ्यूल लाइन ही कट हो जाती है और आपको गाड़ी टो करनी पड़ेगी, आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन केस आप कोई गलत चाबी लगाता है तो उस केस में बस इतना होगा कि आपका जो इग्निशन सिस्टम है और जो फ्यूल सिस्टम है वो ऑन नहीं होगा और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसके अलावा गाड़ी बंद पड़ जाएगी, उसको टो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपनी ओरिजिनल की लाइए और जैसे ही इमोबिलाइजर से आपकी की का ट्रांसपोंडर मैच कर जाएगा, उनका पास कोड मैच कर जाएगा, आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। तो आई होप इमोबिलाइजर से लेके आपके दिमाग में जो भी कोई डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सो इन केस गाड़ी बंद करने के बाद आपकी गाड़ी में कोई रेड लाइट ब्लिंक करती है विद अ लॉक साइन तो डरने वाली कोई बात नहीं है, वो बस एक इमोबिलाइजर का साइन है और इससे आपको ये पता लगता है कि आपकी जो कार है वो उसमें इमोबिलाइजर बराबर काम कर रहा है। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि वंस आप कार एक्सेसरीज पोजीशन में डाल देते हैं उसके बाद भी अगर इमोबिलाइजर का जो साइन है वो ऑन रहता है तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी और इसका रीज़न ये है कि आपका इमोबिलाइजर में कोई दिक्कत है। तो आप उस केस में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ मुझे लिखिए, जो भी डाउट या कमेंट्स हो मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फॉर द टाइम बिंग आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर टाटा।